तो वहीं उधमसिंह नगर के किच्छा विधानसभा से चीनी मिल का पिराई सत्र राजनीतिक अखाड़ा बन चुका है। बता दें कि विधायक तिलक राज बेहड़ और पूर्व विधायक राजेश शुक्ला आमने सामने आ चुके हैं। इस दौरान दोनों के समर्थकों के बीच जमकर नारेबाजी हुई। काफी तनावपूर्ण माहौल में चीनी मिल के पिराई सत्र का शुभारंभ हुआ। स्थिति में थी इसके आधुनिकीकरण के लिए, जब से पुष्कर धामी की सरकार आई है, सौरभ भगौड़ा जी माननीय हमारे गन्ना मंत्री बने हैं, कम से कम 80 करोड़ रुपया इस पर खर्च हो चुका। ये मिल आधुनिक हुई है और भारत सरकार की और उत्तराखंड सरकार की अच्छी नीति के कारण सीरे का दाम बढ़ा है। सीरा अब यूज हो रहा है पेट्रोल में, अन्य चीज़ों में मिलाने में, एथेनॉल में। इस कारण आज मिलें वायबल हुई हैं। मिलें वायबल होने से किसानों को समय पर पेमेंट मिला है। मिल के आधुनिकीकरण होने से कर्मचारी खुश हैं, अधिकारी खुश हैं, किसान खुश हैं, जनता खुश है। और जब जनता खुश होती है तो सरकार के जिंदाबाद के नारे लगाती है। भाई पिछली बार भी सारे क्रिमिनल अपराधी आए, हमने ऐतराज किया, उससे पिछली बार भी आए तब भी ऐतराज किया। रात मैंने सौरभ भगौड़ा से रिक्वेस्ट की कि हम चाहते हैं कि प्यार से शुगर फैक्ट्री चले। बोले आप अपनी तरफ से शांत रहिएगा, उनको भी समझा दिया है, अगर वो करेंगे फिर आप खुली छूट है। ये कहा मुझे सौरभ भगौड़ा जी ने, तो ये स्थिति है इनकी। अच्छा खासा शांतिपूर्वक हो रही है पूजा, नारेबाजी कर दी, गुंडाई शुरू कर दी और सारे अपराधी लड़के लेके आए। जरा उम्र तो देखो, 15-16 साल की उम्र के लड़के हैं 20। ये क्या तरीका है? कोई किसान है? 10 किसान नहीं छाटे मिलेंगे। मिल का हमारा तो मेन उद्देश्य था कि आज जो मिल का शुभारंभ हो गया है, पूजा वूजा सभी शांतिपूर्वक सब संपन्न हुआ है और उसका हो गया है। अब इनका अपना कुछ अगर व्यक्तिगत नारेबाजी संबंध में कुछ हुआ है तो इस संबंध में हम लोग इसमें क्या टिप्पणी कर सकते हैं। लेकिन हम लोग का उद्घाटन जो है पूरा पूजा भी विधि विधान से सब सही रूप ढंग से हो गया। तो बागेश्वर में विक्टर मोहन जोशी स्मारक परिसर में मानक क्लब के सदस्यों ने एक पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया। पोस्टर प्रतियोगिता में गीतांजलि मेर ने प्रथम